टाटा पावर के बाद मैंने बात की एसजेवीएन की, कि अगर हम एसजेवीएन और इरेडा की भी बात अगर कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। इरेडा की अगर बात करें तो आज अगर हम देख रहे हैं कि अब ये शेयर जो है करीब करीब 209 210 के आसपास आ चुका है, तो 200 पे जो गया था उससे रिकवरी आई है। देखिए, अगर आप टाटा पावर को देखें तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव हूँ टाटा पावर को लेकर के। मुझे लगता है बिल्कुल इसके अंदर ट्रैक्शन बना रहना चाहिए। लास्ट क्वार्टर में आप देखें तो सबसे बड़ा प्रेशर यहाँ पर रिन्यूअल सेगमेंट से देखने को मिला था, वही सबसे बड़ा इसके लिए डैम्पनर हो गया था। लेकिन अच्छा खासा पैसा कैपेक्स में कंपनी ने डाला था। कंपनी को लगता है कि इस क्वार्टर में जो रिन्यूअल का जो पिछले पिछले क्वार्टर में जो लगभग 32% के लगभग रिन्यूअल गिरा रिवेन्यू आप कीजिएगा गिरावट देखने को मिली थी, वहां पर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है सेकेंड क्वार्टर में अच्छे नंबर्स आ सकते हैं कंपनी के। केपेक्स का बहुत 26,000 करोड़ का प्लान था। पहले क्वार्टर में केपेक्स जो इन्होंने किया था करीब 4,000 करोड़ के आसपास, वो वहां पर भी आप देखें एक अपटिक मिल सकता है। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में देखिए एक अच्छी इंक्वायरी बनती हुई दिखाई दी थी। ये सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि 402 से 410 का इसके अंदर बेस है। जब तक वो बेस ना तोड़े इसके अंदर शॉर्ट्स नहीं आएंगे। मुझे लगता है जैसे 440 के ऊपर स्टॉक चलना शुरू करेगा बुलिशनेस आएगी। 510 और 540 का टारगेट ऊपर आपको देखने में मिलेगा।